सो हेलो गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे WBJEE काउंसलिंग के बारे में। आप सोच रहे हैं कि वीडियो के एंड में क्यों नहीं हूं मैं, तो उसकी आप ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। बेसिकली सबसे पहले जाएंगे मेन साइट से वहां रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होते ही गाइस हमें वहां पर न्यू कैंडिडेट लॉगिन करना है, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास उभर के आएंगे। न्यू कैंडिडेट जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप वहां पर सबसे पहले तो कि आपको पासवर्ड पता नहीं है, बाद में जब आप लॉगिन करना चाहते हो तो आप बेसिकली वहाँ से कर सकते हो। तो साइन इन करने के लिए आपको ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर आपको बेसिकली अपना बैबजी का रोल नंबर डालना है। उसके बाद जैसे ही आप रोल नंबर डालते हो आपको कैंडिडेट नेम डालना है अपना, आपका जो कैंडिडेट नेम है, आपका जो बेसिकली नेम है हो गई इतनी बातें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके अपने माता जी का नाम डालना है, मतलब आपके मदर्स नेम डालनी है। उसके बाद आपको बेसिकली अपना बर्थ डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके आप चले जाओगे सेकंड साइट पे। जाते ही आपको कुछ कंफर्मेशन ये सब मिलेगा, तो आपसे एग्री कर देना। उसके बाद आपके बस यहाँ पर आएगा आपकी नंबर डालने के लिए, आपको नंबर डालना पड़ेगा, आपको अपने सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे, ईमेल एड्रेस भरना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना पड़ेगा। पासवर्ड वैसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें नंबर हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो, ठीक है। तो अपना फ़ोन नंबर डाल के @ वो बड़ा कैपिटल लेटर ये वो डाल देना, ऐसा कुछ हो जाएगा काम आपका। उसके बाद आपका बेसिकली सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर बेसिकली जो सिक्योरिटी देते हैं वो लोग, आपको उन्हें फिल करने की ज़रूरत है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का फिल करके दिखा रहा हूँ, तो बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ईजिली हो गया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो इसलिए काफ़ी वीडियो पहले बन चुकी थी। अब गाइज आपको एक और चीज़, अगर आपको इतनी रैंक नहीं आया, आप डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन के लिए, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आप इनमें पैसे लगाना चाहते हो तो आप 100% पहले इनके बारे में पता कर लेना, फिर आप ये सब कुछ करना, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, और इसमें आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, कुछ पैसे कमी भी हो सकते हैं आपके। तो ये सारी बातें तो हो गई गाइस। यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पर आपके नंबर चूज़ कीजिए, नंबर वो डालिएगा। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पहले आपने जो फ़ोन नंबर दिया था वही वैलिड हो, तो आप बेसिकली वो नंबर डालिए जो सबसे पहले बार आपने डाला था, और वो नंबर आपकी वैलिड होगी। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बेसिकली यहाँ से स्किप करके दूसरे पेज पे। सो जैसे ही गाइज आप अपना यहाँ पर काम बना लेते हो पहले वाले पेज पे, तो आपके पास ये पूरा साइट खुल के आएगा, जहाँ पर आपको बोलेगा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पेजेस बाद में आएंगी। तो आपको ये टाइम टू टाइम ये सारे पेजेस को एक एक करके आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म, अगर हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करते हैं, तो हम बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हम भरें, तो जिसके बाद आप स्पेशली अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने जेंडर डाल सकते हो, नेशनैलिटी डाल सकते हो, अपने स्टेट ऑफ डोमिसाइल डाल सकते हो, और आपकी कैटेगरी डाल सकते हो। कैटेगरी वही आएगा जो बेसिकली आपने स्टार्टिंग में भरने के टाइम पर दिया था, या फिर आप वहाँ पर नन डाल सकते हो। यहाँ पर आपको सब कैटेगरी डिटेल्स में आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटी डाल सकते हो। ट्यूशन फी वेवर के ऑप्शन पे येस और नो का ऑप्शन आएगा, आप बेसिकली यहाँ पर येस या नो डाल सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। मैं हर वीडियो पे कह रहा था कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, पर यहाँ पर ऑप्शंस आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या हो सकता है। पर मेरे ख्याल से गाइज आप जिसके पास नो है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस भी क्या आ रहे हैं वो मेरे को डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बैंक डिटेल्स अपने ध्यान से भरना, और अपने नंबर ऑफ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर डालना, जैसे कि आपके माताजी का नाम है, पिताजी का नाम डाल देना, अकाउंट नंबर डालना, कंफर्म अकाउंट नंबर करना, फिर उसके बाद IFSC कोड अपने बैंक से पता करना, या फिर आपको बैंक खाते में तो लिखा ही होता है। फिर आपके बैंक नेम डालना, जैसे कि HDFC है तो HDFC डालो, बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया डालो, ब्रांच नेम डालना जो बेसिकली आपका ब्रांच है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बैंक डिटेल्स मैं ध्यान से कह रहा हूँ बार बार, ये वाले बहुत अच्छे से भरना, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, 2-4 बार चेक कर लेना। सो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म हम कंप्लीट करते हैं, हम क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर्म में आएंगे, जहाँ पर आपने क्लास 10 में इंग्लिश में कितना नंबर स्कोर किया था आप वहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैक्सिमम तो 100 ही होता है सबका, तो वो डालिए। पास किया था तो पास डालिए। उसके बाद आप बेसिकली पासिंग स्टेटस डालिए कि अभी 12वीं आपने पास किया है, तो हाँ पास कर लिया भाई। उसके बाद आप पासिंग ईयर डालिए, फॉर एग्जांपल मेरी पासिंग ईयर थी तो वो आप डाल दीजिए। अब जितनी भी पासिंग ईयर थी आपकी, बोर्ड पे आपने किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था, जैसे कि मैंने ISC बोर्ड से दिया, तो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट दिया था, आपने यहाँ पर WB डालिए, बिहार बोर्ड डालिए। रिजल्ट मोड डालिए अपना, रिजल्ट मोड मतलब कि आपकी कितनी आपने कितना 12वीं में कौन सा बोर्ड डाला, उसके बाद आपकी मैक्सिमम नंबर 100 थी, और उसके बाद आपकी हो गई आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, तो उस परसेंटेज स्कोर को डालिए।
यहाँ पर आपके जैसे कि परसेंट स्कोर और आपने मैक्सिमम कितना नंबर स्कोर किया था वो आपके टोटल करके आप बताइए। जैसे कि आईएससी में 400 सब्जेक्ट चार सब्जेक्ट ली जाती हैं, तो आपकी अगर बिहार बोर्ड ने पाँच सब्जेक्ट ली, उसके बाद आप यहाँ पर अपने एक क्वालिफिकेशन डालिए, फिजिक्स डालिए आपकी हो गई, आप यहाँ पर डालिए अब अपनी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश के नंबर डालिए। अब यहाँ पर आपके और एक ऑप्शन मिलेगा कि आप कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी जिस भी लेके पढ़ रहे थे उस चीज़ को चूज़ कीजिए, ठीक है। ये कंफर्म सब्जेक्ट्स तो ऊपर थे आपके, उसके बाद आपकी जो भी आपने पास किया था, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मेरे कुछ नंबर्स अच्छे थे तो मैंने वहाँ डाल दिए, इंग्लिश नंबर मैंने डाल दिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो सेकंड में है बायोलॉजी, तो मेरे बायोलॉजी था नहीं, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर था कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस मैंने दिया तो वहाँ पर मेरी 93% थी तो मैंने 93 डाल दिया। तो ऐसे करके आप यहाँ पर सारे नंबर डालिए और इसके टॉप फोर सब्जेक्ट्स के आपको एवरेज निकाल के ऊपर परसेंटेज मार्क्स में डालना पड़ता। जैसे ही गाइज आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भर लेते हो, उसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट मैंने आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरते हो, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आइए, वहाँ पर अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को डालिए, मतलब कि आपकी अभी की क्या एड्रेस है। आप फॉर एग्जांपल गाइज मेरी जो एड्रेस है यहाँ अभी जो एड्रेस है वही मेरी परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर लूँगा। पर फॉर एग्जांपल आपकी जो एड्रेस है अभी जहाँ रह रहे हो, पर आपके आधार कार्ड और ये सारी जगहों पर अलग से एड्रेस है जहाँ पर आपकी पहले वो परमानेंट एड्रेस थी, तो आप बेसिकली वहाँ पर अपनी वो तो आप जैसे कि जैसे ही ये सारी चीज़ कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पर सेव टू नेक्स्ट कर सकते हो, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स की फॉर्म कंप्लीट हो जाए। सो गाइस जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हो तो आपके पास जो पेज खुल के आता है दैट इज़ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जिस कैंडिडेट का मैं सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है अभिषेक घोड़ाई, तो उनको बहुत थैंक्स इस वीडियो के लिए, पर गाइस उसके लिए उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अभी थे नहीं। पर इस वीडियो को बनाने के लिए आप समझ सकते हो कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वहाँ पर नील का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको जो अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट्स और ये सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ेंगे तो चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। सो यहाँ पर गाइस काफ़ी समझने की कोशिश की, जैसे कि क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है आपकी, एडमिट कार्ड दीजिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, दोनों में से कोई एक देना है आपको। 10th की जो मार्कशीट है वो आपको बेसिकली पूरी की पूरी स्कैन करके देनी है। यहाँ पर लिखा है 150 DPI, इसका मतलब होता है डॉट्स पर इंच, तो पूरा स्कैन करके दीजिएगा गाइस। स्कैन करने वाले को बोलिए PDF बना देने, उसके बाद आप मोबाइल पे भी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपने ऑल कैंडिडेट आपको 12 मार्कशीट की अपलोड करनी है आपको, अगर SC ST है तो वो अपलोड कीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, TAW के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, और PAW हो कैंडिडेट तो PAW की सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। सो गाइस इसके बाद हम लोग बेसिकली जितने ही सारे आप डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद ऐसा एक पेज खुल के आएगा जहां पर बेसिकली आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट की आप इसके बाद जो है इसके बाद इसकी प्रीव्यू चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो मेरी करेक्ट अपलोड हुई है कि नहीं। और गाइस मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, इन्होंने 150 DPI कहा है, मतलब डॉट्स पर इंच, तो आप बेसिकली किसी भी प्रिंटर शॉप पे जाओ, उनसे स्कैन करवाओ, उनसे PDF करवा लो, उसके बाद आप जो फॉर्म है उसको मोबाइल फ़ोन पे भी भर सकते हो। एग्जैक्टली गाइस अब इसे मोबाइल फ़ोन पे भर सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मोबाइल फ़ोन में कैसे भर, तो मुझे कमेंट करो, मैं बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन की भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिकली करना क्या है, आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को देखना है। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने देखा कि आप अपने कैसा अपलोड किया है, क्या वो परफेक्टली डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके फ़ोटो के साथ अच्छे से दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिखे तब किसी चीज़ को आप ओके करना। अब जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें आपने हो गया है तो आप यहाँ पर चाहते क्या हो, आप देखना चाहते हो आपकी प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। इसके पहले आप हर एक चीज़ देखो कि आपकी रैंक, आपकी ये वो हर वो चीज़, सब कैटेगरी, आपने ये यस किया था, ये नो किया था, आपकी परसेंटेज मार्क्स कितनी है, परफेक्ट मार्क्स कितनी है, हर एक चीज़ को स्कैन करना, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने गड़बड़ डाला है, क्योंकि हर वो चीज़ आपकी इन फ्यूचर बहुत मैटर करने वाली है, तो इन डिटेल्स हर एक चीज़ देखना, ईमेल एड्रेस की नंबर्स चेक कर लेना कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, अकाउंट नंबर में गलती हो गया, तो आप बहुत बड़े केस में फंस सकते हो, ठीक है। बाद में और हर एक डॉक्यूमेंट की भी आप स्कैन कॉपी देखना कि आप मुझसे गलत तो कुछ नहीं हो रहा, फिर आप यहाँ पर अग्री करना और डिक्लेरेशन पे यस कर देना। इसके बाद गाइज आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि यहाँ पर कि आपकी कितने इंस्टीट्यूट्स आप चूज़ कर सकते हो। 497 यहाँ पर प्रोविजनल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आप क्या इतने ही चॉइसेस चूज़ कर सकते हो, नहीं आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं।
यहाँ पर गाइज आपके पास यहाँ पर देखो कि जो सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे यहाँ चैनल पे कि एक जो स्टूडेंट है वो TFW सर्टिफिकेट अप्लाई करे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करे। मैं आपको एग्जांपल पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, तो मैं पहले TFW सेलेक्ट कर लेता हूँ कोचबिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की सिविल इंजीनियरिंग में, बाद में मैं वहीं पर नीचे जनरल सीट ले लेता हूँ। जो आप चाहो कर सकते हो चॉइस क्लॉकिंग में, पर आपको यहाँ पर चॉइस चूज़ करनी है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि चॉइस आप लॉक कर सको, ठीक है, आप चॉइस लॉक मत करना अभी। और गाइस जहाँ तक बात रही, मैं अपने हर चैनल पे रैंक वर्सेस कॉलेज क्यों नहीं बना रहा हूँ, तो गाइस इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि बीबी पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आप कोई एक कॉलेज ले लेना, एक या फिर बोलो AOT कॉलेज में आप इतने रैंक से इतने रैंक में चले जाओगे, फ़ायदा क्या है इसमें? अब मेरे व्यूज़ आएंगे, मैं पैसे कमा लूँगा, उसमें क्या है? आपको फ़ायदा होगा, आप किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना चाहते हो आप समझ पाओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप, मैं एक डिटेल्स पे वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि आप कॉलेज के बारे में जान पाओ, और जान पाओ मतलब देखिए फॉर पैसे तो मिलेंगे ही मुझे, पर आपका अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो एक तरीके से मेरा लॉस हुआ कि मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो ये प्रस्पेक्टिव जो है हमारा चैनल का वो ख़राब हो जाएगा सबसे बड़ी चीज़। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। अब यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें समझ गए कि बेसिकली हमने यहाँ पर किसी को अच्छे से ब्रांच चूज़ करना है, किस जिस ब्रांच को चाहिए उसके प्रेफरेंस के हिसाब से दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक पहला जादवपुर दे दिया, उसके बाद वो कॉलेज स्टार्टिंग में दीजिए जो बेसिकली आपके आपको लगता नहीं है मेरे हो सके। सेकेंड चॉइसेज एक लिस्ट बनाइए, सेकेंड में ऐसी लिस्ट में हम रहेंगे जो मेरे को लगता है, मेरे को अगर बहुत इच्छा है कि मैं बेसिकली चले जाऊँ उसमें पर मेरा रैंक नहीं मैच कर रहा है वहाँ पर, तो ऐसे कॉलेजेस दीजिए। उसके बाद आपको वो सारे कॉलेज और वो सारी ब्रांचेस देनी है जो मुझे ओके मेरा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर उसके बाद थर्ड फोर्थ में आपको वो सारी चॉइसेस देनी है, ओ भाई इसमें तो मेरी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपको आसान कॉलेजेस भी देनी ज़रूरी है गाइस, कि अगर आप वो सारे कॉलेजेस नहीं देते तो आप एकदम ऐसा बना दे रहे हो कंपटीशन को कि आप चाहते हो कि एकदम बड़ा ही जाना चाहते हो, और आपको अगर छोटा कॉलेज नहीं लगता तो आप काउंसलिंग पे सीट नहीं मिल रही आपको। और सबसे बड़ा प्रश्न जो था कि अगर मैं काउंसलिंग में एक पैसे दे देता हूँ तो क्या मेरे पैसे रिटर्न नहीं होंगे, मतलब मेरे जो पैसे मैंने वहाँ पर दे दिए वो मेरे कॉलेज फीस के साथ मिक्स हो जाएंगे? तो यस गाइस आपके मिक्स हो जाएंगे। और एक चीज़ आप मेरे चैनल पर आपके प्रश्न था, मेरे चैनल में जो सबसे बड़ा प्रश्न था गाइस कि मैं हर काउंसलिंग में क्या मुझे 40,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, एक बार आपको 40,000 रुपये देने की ज़रूरत है। अगर मैं अपग्रेड कराऊंगा तो क्या मेरी वो जो पहले वाली सीट थी वो चले जाएगी पैसे देने पर भी? तो नहीं गाइस, आपकी पहली वाली सीट नहीं जाएगी। अगर आपको दूसरे राउंड में कोई कॉलेज नहीं लगता तो आपकी पहली वाली सीट मेंटेन्ड रह जाएगी वहीं पर, और अगर आपको कोई कॉलेज लग जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सीट आपका चले जाएगा और ये नया कॉलेज का सीट लगेगा। और वो जैसे कि आपकी 20 नंबर पे आपको सीट लगी थी तो अब आपको 1 से 19 तक ही कोई सीट लगेगी, ठीक है, आपको 1 से 19 तक ही कोई सीट लगेगी। अगर 1 से 19 तक आपकी कोई रैंक पे मैच नहीं कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपका 20 नंबर वाला सीट आपको लग जाएगा, जैसे ही लगा था वैसे ही ऑटोमेटिकली रह जाएगा। ये सबसे बड़ा जो प्रश्न था मेरे चैनल पे, और सारी चीज़ें मैंने क्लैरिफाई कर दी। और यहाँ पर आप चॉइस लॉक कर सकते हो या फिर आप चॉइस इसे ऐसा छोड़ सकते हो। चॉइस लॉकिंग की डेट अभी काफ़ी दिनों तक है, एक दिन में इतना हड़बड़ाओ मत, सारी चीज़ें अभी लॉक मत करो, ठीक है, और सारी चीज़ें समझ कर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें अभी भी नहीं समझ में आई है और आपको इसको मोबाइल में करना, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं मोबाइल फ़ोन में आपको इसे सब कुछ कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।